मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चूर्णमितं जना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदंतिकम्। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमल श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं शक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललितास्ति विशाखामितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्विते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यंत्रप्रचंडं मनुवेतमपेतकृत्यं दैवायनविरहकर्तृभाजहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयेषु मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्त्वमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानंद माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत में से हम षष्ठ स्कंध का ये एक बहुत सुंदर चरित अजमेर चरित जिसके चलते हुए हमको नाम की महिमा के बारे में पता चलेगा ये हम चर्चा कर रहे हैं सुन रहे हैं। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप सब बहुत एकाग्रता से प्यार से ये भगवान का पवित्र गाथा ये सुन रहे हैं भगवान के पवित्र नाम के महिमा के बारे में श्रवण कर रहे हैं। जैसे हम सुन रहे थे कि प्रसंग क्यों सुखदेव गोस्वामी ने
परीक्षित महाराज को कहा था, क्योंकि परीक्षित महाराज का एक ऐसा प्रश्न था जिस प्रश्न के उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न बताया। तो हमको ये पता चल रहा था कैसे विष्णुदूत और यमदूत आकर अजामिल के घर पर पहुंच गए थे और दोनों के बीच क्या बात हुआ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में ही बता रहे थे कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसे वार्ता बताने के लिए जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि भगवान के भक्ति करने से, सबको भक्ति करने से भी व्यक्ति कैसे शुद्ध हो जाता है, उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। तो विष्णुदूत और जमदूत आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा के माध्यम से हमको ये पता चल रहा था कि एक व्यक्ति को लेकर उन दोनों के बीच ऐसा बात हुआ था। वो व्यक्ति था एक बहुत बड़ा पापी जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल सब गलत काम किया था, सही प्रकार के पाप कर्म किया था। क्या क्या पाप किया था ये तो हम अभी तक सुने नहीं, थोड़ा सा सुने हैं, आज हम सुनेंगे। क्योंकि जब विष्णुदूत और जमदूत ने आपस में वार्तालाप कर रहे थे उसी वार्तालाप से हमको ये पता चल रहा था, जैसे जमदूत बताते थे कि जीव इस संसार में कैसे बंधन में है, कैसे उनको बार बार इस जन्म मृत्यु चक्र में ऐसा आवर्तन करना पड़ता है, वो कर्म के बंधन में कैसे फंस जाता है और लास्ट को ऐसे यमदूत को पूछ रहे थे विष्णुदूत कि कर्म के बंधन में अगर जीव ऐसा फंस जाता है तो ये बंधन से निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या। तो इसके उत्तर देते हुए यमदूत बोल रहे थे, हाँ ये तीन गुण के प्रभाव से जो जीव कर्म करते हैं इसके लिए उनको ये बंधन अवश्य भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बंधन चिरकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए नहीं रहेगा। कल हम सुन रहे थे आशित सैव न चिरात ईश संगात लियते, दीर्घ समय तक ये बंधन नहीं रहेगा, वो बंधन छूट जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ईश संगात लियते, अगर वो भगवान के भक्तों के संग करेगा और संग करने के बाद अब वो भगवान का नाम अगर कीर्तन करेगा, नाम लेते ही नाम का प्रभाव से उनका ये बंधन छूट जाएगा, ये बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब ये बात बोले विष्णुदूत ने, अभी यमदूत को पूछ रहे हैं, अगर नाम लेने से जीव इस संसार से छूट जाएगा, छूट सकता है, तो अभी तो अजामिल तो नाम लिया है, अजामिल तो नाम लिया है, तुमने क्यों ऐसा उनके गले में पास डालकर खींच रहे हो। तो इसके उत्तर देते हुए यमदूत अभी बता रहे थे, हम कल सुन रहे थे कि अजामिल का क्या क्या पाप था, लेकिन पाप कहने से पहले अजामिल का व्यक्तित्व कैसा था, अजामिल कैसे व्यक्ति थे उसके बारे में वो बता रहे थे। अजामिल कैसे, मतलब कैसे सद्गुण के बिल्कुल अधिकारी थे, सभी सद्गुण के अधिकारी थे। कितने गुण थे कल हम सुन रहे थे, 16 गुण, लेकिन क्या क्या गुण ये तो शायद सभी को याद नहीं हो सकता है, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये सब गुण अगर हम आजकल कोई भी अगर निकलेगा कि ऐसे गुण वाला व्यक्ति हम ढूंढेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है, मिल नहीं पाएंगे, मिल पाएगा। ऐसे सभी गुणों का एकत्र समावेश जो बोलते हैं, मतलब एक आदमी के अंदर ये सभी गुण दिखाई देना ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ये बहुत कष्ट है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अजामिल के पास ये सभी गुण था। क्या क्या गुण था कल हम सुन रहे थे, अजामिल कैसे थे और आज सुनेंगे वो कैसे पथरहस्त हो गए, क्या गुण था इसके बारे में बता रहे थे। अयम ही ईश्वर संपन्न शिव वृत्त गुणालय धृत व्रत मृदुदंत सत्यवक मंत्रवित सुचि, इस श्लोक में हमको ये पता चल रहा था अजामिल के कितने गुण थे। अयम ही स्वतः संपन्न,
सभी शास्त्रों शास्त्रों का ये विद्वान थे, सुख संपन्न शील वृत्त शील सत स्वभाव विशिष्ट व्यक्ति थे। वृत्त समस्त सदाचार के अधिकारी थे। गुणालय सभी गुणों के आकर थे। और द्रुत व्रत बिल्कुल गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य जैसा जीवन बिताते थे। मृदु दंत मृदु बिल्कुल कोमल चित्त उनका चित्त ऐसा था। दंत संयत इंद्रिय मन और इंद्रिय सभी कुछ संयम थे उनके। मृदु दंत सत्यवाक सभी समय सच बात बोलते थे। मंत्रविद वेदों के सभी मंत्र उनको मालूम था। शुचि पवित्र थे। इस श्लोक में इतने गुण बताए दिए और सेकंड श्लोक में बता रहे थे और क्या गुण था। वो सेवा परायण थे। किस किस जीव के सेवा कर रहे थे बोल रहे थे। गुरुवाग्नि अतिथि वृद्धानं शुश्रूषु अनहंकृत सर्वभूत सुहृत साधु मितवक अनसूयक। इस श्लोक में इतना सारे गुण गुण बता रहे। गुरुवाग्नि अतिथि वृद्धानं शुश्रूषु गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध ये सभी के वो सेवा परायण थे। सेवा कर रहे थे शुश्रूषु लेकिन इतना सेवा करने के बावजूद भी उनका मन में कोई अहंकार नहीं था। अनहंकृत मैं इतना बड़ा सेवक हूँ मैं ये कर रहा हूँ ये भाव नहीं था उनका। ये बहुत बहुत अच्छा गुण है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने से भगवान हमको अपनाएंगे। अगर किसका मन में अगर अहंकार है गर्व है तो भगवान नहीं अपनाएंगे। ये सही बात है। तो अजामिल का ऐसा गुण था। देखिए कहने का तात्पर्य यह है सभी गुणों के आकार होने के बावजूद भी उनको यमदूत आकर ले रहे हैं। मतलब जितना भी गुण हमारे पास हो सकता है एक गुण की कमी से ये सभी गुण व्यर्थ हो जाता है। तो क्या है भगवान की भक्ति। अगर भक्ति नहीं तो सभी गुण का वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाता है। सर्वभूत सुहृत सभी जीवों के वो सुहृत थे। सुहृत मतलब सभी जीवों के जो मंगल चिंतन करते थे। जो मंगल चिंतन करते हैं उनको कहा जाता है सुहृत मंगलाकांक्षी। संस्कृत में भी मंगलाकांक्षी बोलते हैं उड़िया में भी बोलते हैं हिंदी में क्या होगा मंगलाकांक्षी हो सकता है शुभाकांक्षी मंगलाकांक्षी ऐसे थे। सर्वभूत सुहृत और साधु निष्कलम चरित्र और लास्ट को बता रहे हैं मितवाक और अनसूय का। मितवाक जितना आवश्यक उतना ही बात बोलते थे और अनसूय का किसके दोष नहीं देखते थे। किसके प्रति उनका असूया भाव नहीं था। इतने सभी ये सब दिव्य गुण है। ये सब अच्छा गुण है कि नहीं क्या इसमें कोई बुरा लगता है। कुछ तो बुरा नहीं है ना। इतना अच्छा गुण होने के बावजूद भी उनका कैसा पतन हो गया अभी आज सुनेंगे। तो इतना गुण जब बता दिए जमदूत ने विष्णु दूत अभी पूछ रहे हैं अच्छा उनका तो इतना गुण है फिर क्यों पास डालकर खींच रहे हो। इतना गुण के बारे में तो बताया फिर भी पास डालकर खींच रहे हो छोड़ दो। बोले नहीं 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 इतना गुण था लेकिन हम पहले सुने थे ना एक श्लोक आया था नष्ट सदाचार। सभी सदाचार नष्ट हो गया था। क्यों नष्ट हो गया था अभी सुनेंगे। मतलब ये सब गुण थे ये सब सदाचार थे लेकिन ये सब नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि यमदूत ऐसा बोल रहे हैं। मतलब एक ये भी पता होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं यमदूत भी देख रहे हैं। नहीं तो उनको कैसा पता चला ये क्या क्या करने जा रहे थे क्या क्या किया कैसे उनका पतन हो गया ये सब बताएंगे ना। मतलब वो देख रहे हैं हमारा सभी कार्यों को देख रहे हैं। यमदूत देख रहे हैं विष्णु तो देख रहे हैं देवदूत देख रहे हैं और 12 सीसीटीवी कैमरा भी है हम सुने थे उस दिन है कि नहीं। मतलब देखने के लिए बहुत बहुत लोग हैं। हम सोच रहे नहीं हमको कोई नहीं देखता है। जैसे बिल्ली किसी के घर में जाकर अगर दूध पीता है तो कैसे पीता है मालूम है। हाँ जी आंख मूंद कर पीता है क्यों
वो आंख बंद कर पीता है, वो सोचने लगता है क्या, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब मुझे भी कोई नहीं देख रहा है कि नहीं। मनुष्य का ऐसा ही विचार है, वो सोच रहे हैं कि ना ना, मैं जो कर रहा हूं मुझे कोई देखने वाला नहीं है। देखिए यमदूत भी देख रहे हैं, नहीं तो ये कैसे बताएंगे, अभी वो बताते हैं क्या बताते हैं। देखिए एकदा सो वनं जातं पितृ संदेश कृद्विजा आलाय तथा वृत्त फल पुष्प समित कुशाम। एकदा एक समय उन्होंने वन को गया था, एकदा अशोक वनं जातं, अशोक मतलब ये हाथ दिखाकर बोल रहे हैं, अशोक ये यमदूत लोग दिखा रहे हैं हाथ, ये गया था एक दिन वन को, वो तो सोया है अभी। आप सुनेंगे कैसा अजय का स्थिति कैसा था, तो हाथ दिखाकर बोल रहे हैं एकदा अशोक वनं जातं, वन को गया था। क्यों गया था, अपने मन से नहीं, ऐसे घूमने के लिए नहीं, पितृ संदेश कृद्विज, यदुज अपने पिता के आदेश को पालन करते हुए गया था। पितृ संदेश कृद, पिता ने भेजा था जाओ, क्यों भेजा था, क्योंकि ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था ना उनका, इसलिए ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे वो यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री इकट्ठे करने के लिए वन को गए थे, और वन को जाकर वो सामग्री को इकट्ठे कर लिए थे। क्या क्या यहाँ बताते हैं, तथा आपृत ये सब कलेक्ट कर लिए थे, इकट्ठे कर लिए थे, कौन सा चीज, फल, कुछ फल, पुष्प, पुष्प समित, समित मतलब यज्ञ में जो काष्ठ यूज होते हैं ना, यज्ञ के लिए जो काठ व्यवहार होता है उसको कहते हैं समित, और कुशान, कुश, कुश यूज करते हैं नहीं यज्ञ में, सभी कार्यों में कुश यूज होता है, कुश एक पवित्र चीज है, कुश कहाँ से आया पता है किसको, भगवान के लोम, हाँ बताया था मैंने, भगवान के लोम से कुश आया है, हाँ इसलिए भगवान का लोम से कुश आया, इसलिए पवित्र है। तो फल पुष्प समित कुशान, ये चार चीजों को इकट्ठे करके समेट करके वो आ रहा था, लेकिन आते समय वो एक दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर उनका बिल्कुल जीवन धारा ही बदल गया। क्या दृश्य देखा अभी बोल रहे हैं, ददर्श कामिनं कश्चित् शूद्रं सह भुजिशया पीत्वा च मधुमैर्यं मदा घूर्णित नेत्रया। ददर्श वैसे आ रहा था उस समय, उन्होंने देख लिया, ददर्श कामिनं कश्चित् कोई एक कामी पुरुष, शूद्रं सह भुजिशया, वो शूद्र है, और ये भुजिशया ये जो दासी जिनको अभी ये अपनी पत्नी बनाया है उनको वहां देखा था, एक शूद्र ये वैश्या को, हाँ वैश्या के साथ मौज मजलिस कर रहा है, कैसे थे वो बोल रहे हैं, पित्वा च मधुमय रंग मदात भुंडित नेत्रया, दोनों ने पित्वा पी लिए थे, मधुमय रंग सुरा पिए थे, कौन सी सुरा, मधुमय रंग लिखा गया है, सुरा मतलब ये फरे लेकर नहीं था ना उस समय, सुरा मतलब लिखा गया है मधुपेष्टि सुरम पित्वा, जैसे जंगल में कुछ चीज मिलते हैं जिसको आप अगर यूज करेंगे तो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, नशा आ जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, महुल, महुआ, महुआ बोलते हैं ना, महुआ, महुआ को अगर आप ज्यादा खाएंगे तो नशा आ जाएगा, जैसे जो खजूर, यहाँ खजूर मिलते हैं ना, खजूर के पेड़ से रस निकलता है, ताड़ी, हाँ इधर तो नहीं निकालते हैं शायद, मैंने तो इधर देखा नहीं, लेकिन उड़ीसा में ऐसा देखे, भारत में है, सभी को पता है, तो बोलते हैं ताड़ी, वो भी नशा है, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो सोचते हैं वो तो पेड़ से आता है, पीने से क्या गलती क्या है, दोष क्या है, नहीं पता है आपको, वो पीने से भी दोष है, वो भी पाप है, हालांकि वो वृक्ष से आता है, पेड़ से आता है, लेकिन पीते ही ब्रह्महत्या दोष लग जाता है, गुजरात में तो बहुत उनको लगता है, जो पीते हैं उनको तो लगता है ना, आप सुबह पीते हैं, जो समय पीजिए ना,
जो चोरी करते हैं, ठीक है, जो चोरी करते हैं, चोरी करते हैं वो बोल सकेंगे, पुलिस को बोल बोल पाएंगे, नहीं नहीं मैंने आज चोरी किया, कुछ गलती नहीं, क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, तो ऐसा हो सकता है क्या? छुट्टी का दिन का मतलब क्या चोरी करने से गलती नहीं होगा, दोष नहीं है, उनको दंड नहीं मिलेगा? तो सुबह पीजिए कि रात को पीजिए, जो जो समय पीजिए, पाप पाप है सभी के लिए, गलती कम गलती है, सुबह पीजिए रात पीजिए जो भी है। ये जो पेट से जो आता है ना, ये जो रस आता है, पेट को काट करके जो रस निकालते हैं ना, यहाँ ब्रह्म हत्या दोष है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में है, भागवतम में भी नहीं, वो गलत है, तो गलत है। आप देखिए भागवत पढ़िए ना, जो पी रहे हैं, मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनिए सुनिए, जो पी रहे हैं मैं खुलकर बोल रहा हूँ, उनको भागवतम के बारे में पता नहीं है, भागवतम पढ़िए पता चल जाएगा, वृत्रासुर प्रसंग पढ़िए पता चल जाएगा, वृत्रासुर प्रसंग में ये बात बताई जाएगी, ये छठवां स्कंध में ही, छठा स्कंध में ये है, यहाँ ब्रह्मत्या दोष लगता है, ब्रह्मत्या दोष है, ब्रह्मत्या दोष चार जीवों के पास है, पता है ना? तो पता है, और कैसा युक्ति करते हैं आप? तो पढ़िए पता चल जाएगा, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा हम करते हैं ठीक है, नहीं ये गलत है, उन्होंने ऐसा पिया था मधुमेह, तो ऐसे नशा होने से उनका स्थिति कैसा था, मदात घुर्णित नेत्रया, नेत्र चक्षु घुर्णित, बिल्कुल क्या बोलते हैं, नशा से नहीं, लाल नहीं, घुर्णित, घूर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर चक्कर खा रहे थे, चक्षु जो नशा करते हैं उनका चक्षु स्थिर नहीं हो पाएगा, तो चक्कर खाएंगे, वो अपने आप को सोच रहे हैं, उस समय क्या सोचते हैं, वो अपने आप को क्या सोच रहे हैं, वो उस समय क्या अपने आप को क्या सोचते हैं, वो जो नशा करते हैं वो अपने आप को सोचते हैं मैं राजा हूँ, मैं इंद्र हूँ, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन ये गलत है, नशा नशा बहुत सारे नशा होता है, जैसे नीति शास्त्र में बताया गया है, यौवन मद और मद पिए पुनि तरुणी मद मत, भोले मातु पिता गुरु धर्म ज्ञान अर सत्य, तीन तरह का मद होता है, मादकता तीन तरीके से होता है, यौवन मद, यौवन अवस्था, ये एक मादकता है, क्योंकि यौवन अवस्था से व्यक्ति का नीचे गिर जाना आसान है, यौवन अवस्था में अगर वो अपने आप को संभाल पाएगा तब तो भाग्यवान है, नहीं तो गिर जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा, पता नहीं, मतलब पाप करते हुए किधर चला जाएगा पता नहीं, एक नशा जैसा है, यौवन, यौवन का नशा, यौवन मद और मद पी, जो मद पीते हैं नशा करते हैं, पुनी तरुणी मद मत, तरुणी एक नशा है, ये युवक समय, यौवन समय में तरुणी नशा होता है, ऐसा नशा है, भूले भूल जाते हैं, किस किस को भूल जाते हैं, मातो पिता गुरु, पिता माता के आदेश को, पिता माता के उपदेश को भूल जाते हैं, गुरु के उपदेश को भूल जाते हैं, धर्म ज्ञान और सत्य, धर्म को भूल जाते हैं, ज्ञान चला जाता है, सत्य चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, मतलब मादकता ऐसा है, तो उन्होंने ऐसा मद्यपान किया था, ये उन दोनों को अजामिल ने देख लिया, और उनका स्थिति कैसा था अभी बता रहे हैं, मत्तया विश्लहनिभ्यं व्यपेतं निरपत्रपम् क्रीडन्तं मनोगायन्तं हसन्तं मनोयान्तिके, मत्तया विश्लहनिभ्यं, मत्तया मतलब फुल इंटॉक्सिकेटेड, प्रभुपाद महाराज कहते हैं बिल्कुल फुल, उनको फुल निशा हो गया था, मत्तया विश्लहनिभ्यं, विश्लहनिभ्यं मतलब उनका वस्त्र शिथिल हो गया था, वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं था, जो निशा नशा करते हैं उनका क्या किधर क्या है उनको थोड़ा पता चलता है, मत्तया विश्लहनिभ्यं व्यपेतं, व्यपेतं निरपत्रपम्, व्यपेत्रम बिल्कुल वो आचरण भ्रष्ट जैसे कार्य करते हैं, निरपत्रपम नितरम निर्लज, नशा करते हैं उनका तो क्या बोलते हैं उड़िया
हिंदी में बोलते हैं लाज शर्म जैसा कुछ ही नहीं उनको, जैसरम जैसा कार्य करते हैं। ये मतलब ये नशा देखिए यौवन नशा में भी होता है। तो व्यपतम निरपत्रपम और क्या कर रहे हैं, क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयंतिके। क्रीडंतम दोनों ने क्रीड़ा कर रहे थे, अनुगायंतम गीत गा रहे थे वो वैश्य और वो शूद्र। ये उनका ये जो क्रीड़ा गीत गाना और हसंतम हंस रहे थे अनयंतिके, अनयंतिके मतलब अस्य समीपे अजामिल के सामने। अजामिल देखिए वो गया था क्यों, पिता के आदेश से गया था, लाने के लिए गया था। क्या लाने के लिए, यज्ञ में व्यवहार होने का चीज को लाने के लिए गए थे, मतलब सही चीज को लाने के लिए गए थे, शुद्ध चीज को लाने के लिए गए थे, पिता के आदेश पालन करते हुए गए थे। लेकिन जब वापस आ रहे थे ये दृश्य देख लिया। उनका स्थिति कैसा था अब बता रहे हैं। दृष्टातं कामलिप्तेन बाहुनं परिलंभितं जगामा हृच्छैव संसहसैव अभिमोहिता। दृष्टातं कामलिप्तेन बाहुना परिलंभितं, दोनों ने कैसे थे बाहुनं परिलंभितं, दोनों आपस में बाहु में मतलब क्या बोलते हैं आलिंगन करते हुए, बाहुनं परिलंभितं दोनों बाहु में आपस में आलिंगन करते हुए क्रिया कर रहे थे, नाच रहे थे, गीत गा रहे थे, ऐसा उनका चल रहा था वहां। तो देखिए ये दृश्य को अजामिल ने देख लिया। अजामिल का कितना गुण था याद कीजिएगा, इतना गुण था अजामिल का। लेकिन ये दृश्य देखने के बाद उनका हालत क्या होगा अभी तो सुनेंगे। तो जरा सोचिए अजामिल का इतने गुण होने के बावजूद भी वो अपने आप को संभल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आजकल हमारे पास गुण तो बिल्कुल नहीं है लेकिन ये दृश्य भरपूर है कि नहीं। गुण हमारा कुछ नहीं है लेकिन ये दृश्य भरपूर है। किधर है, हम ये दृश्य देखने के लिए जंगल को जाना पड़ता है क्या, नहीं। टीवी में देखते हैं क्या देखते हैं, बस यही। सिनेमा में देखते हैं क्या देखते हैं, बस यही। और क्या देखते हैं, दम मारो दम, है कि नहीं, बस ये तो देखते हैं। मोबाइल में तो आजकल भी ये सब देखते हैं। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए तो कहा गया है ये सब पाप है देवता। तो अजामिल का इतना गुण होने के बावजूद भी उनका पतन हो जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब मिलकर ये सब दृश्य देखते हैं टीवी में, सिनेमा में, आजकल तो पोस्टर भी इधर उधर सब लगाया गया है, यहाँ तो नहीं। देखिए जिधर भी सब आप देखेंगे सब ये दृश्य है। और हम सोच रहे हैं जगत में ऐसा सभी का सोच है कि हमारा बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे, इज इट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। वो हमारा बच्चे अभी अगर सही रास्ते पर है तो उनका प्रारब्ध में वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन कभी अभी ऐसा आ जाएगा, कब क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि सभी के इंद्रिय है ना, सभी के मन है ना, वो मन दुष्ट है, इंद्रिय दुष्ट है, कभी क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। अजामिल का इतना गुण होने के बावजूद वो उनका पतन हो गया, अभी सुनेंगे। लेकिन हमारा तो कुछ भी गुण नहीं है लेकिन इतना दृश्य सभी जगह पर है। तो क्या होने वाला है जगत में, आगे क्या होगा जरा सोचिए। सिर्फ एक चीज हमको क्या बोलते हैं, कवच जैसे कर्ण कवच लेकर जन्म लिए थे, एक चीज हमारे लिए कवच जैसा कार्य करेगा वो क्या मालूम है, वो है कृष्ण चेतना। यह कृष्ण चेतना, वो है भक्ति। भगवान के भक्ति, अगर हम कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति ही हमको कवच जैसा कार्य करेगा, नहीं तो बिल्कुल अपने आप को नहीं सुधर पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं कब क्या होगा कोई पता नहीं चलता। देखिए अजामिल अपने आप को संभालने के लिए कोशिश नहीं किए है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। क्या बंद हो गया, हरि बोल, हरे कृष्णा, ना इधर तो ठीक है उधर क्या, हरे कृष्णा।
हरे बोल हरे कृष्ण। ऐसा ही सब कुछ होते हुए भी कब क्या हो जाएगा पता नहीं, ये तो हम बोल रहे थे अभी। हमारा जीवन में ऐसा है, कब क्या हो जाएगा, किस क्यों क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो सभी सब भगवान को पकड़ करके चलना चाहिए, कम से कम भगवान का नाम को हर रोज लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये तो कौमार कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवत कथा, शैशव काल से भक्ति करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। भक्ति पथ पर आना या फिर भक्ति पथ में टिक कर रहना या फिर भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कौमार आचरित प्रज्ञों शैशव काल से। तो अजामिल ये मैं कह रहा था कि अजामिल अपने आप को संभालने के लिए कोशिश किए या नहीं, आप जरा बताइए। जो इतना विद्वान थे इतना ज्ञानी थे उनका इतना गुण था कि अपने आप को संभालने के लिए कोशिश नहीं किए होंगे ये, लेकिन करने के बावजूद भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। देखिए क्या बताया गया है बाद में। स्तंभयानम आत्मनात्मानं जावत सत्तम यथाश्रुतम न ससाको समाधातुं मनोवदनवेपितम्। स्तंभयानम आत्मनात्मानं, यहाँ आत्मा आत्मा दो बार लिखा गया है। स्तंभयानम आत्मनात्मानं मतलब बुद्धि के द्वारा अपने मन को संयम करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। स्तंभयानम आत्मनात्मानं जावत सत्तम यथाश्रुतम, जितना वो सब सुने थे उनका जितना धैर्य जितना था सब धैर्य को लगाकर, जितना शास्त्र ज्ञान था सभी शास्त्र ज्ञान को लगाकर वो अपने आप को संभालने के लिए कोशिश की, लेकिन न ससा का समाधा तुम, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मनो मदन अवेपितम, मन को मदन ने बाण छोड़ दिया था। हम पिछले टॉपिक में सुन रहे थे ना, मदन का कितना बाण होते हैं, पांच, तो बाण छोड़ दिए थे इसलिए अपना समझ नहीं पाए। देखिए इतना सुंदर गुण था उनका फिर भी समझ नहीं पाए। अच्छा, उनका ये जो समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? सिर्फ एक इंद्रिय के कारण। कौन सा इंद्रिय? चक्षु, आंख। आंख के कारण उनका अभी क्या होगा देखिए। तो उनका ऐसा स्थिति हो गया, इस दृश्य को देखने के बाद उनका बिल्कुल मति विचलित हो गया, सब जितना गुण था सभी गुण चला गया। मतलब अपने आप बिल्कुल क्या बोलते हैं, नीचे गिर गए। बुद्धि भी स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, ये सब कुछ भगवान के पास लगाना चाहिए ना, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है छठा अध्याय, भगवान स्वयं बताते हैं, उद्धरत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयत आत्मेव हि आत्मना बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना। देखिए यहाँ भी आत्मा 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 बस आत्मा के ये आत्मा आत्मा बताया गया है। 6.5 उद्धरत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयत। उद्धरत उद्धार होना चाहिए हमको, ये बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए, हम छूट जाना चाहिए। कैसे छूटेंगे? उद्धरत आत्मना आत्मानं, बुद्धि के द्वारा प्रॉम्प्टिंग करते हुए मन को संयम करना चाहिए। न आत्मानं अवसादयत, मन के क्या बोलते हैं, मन के प्रॉम्प्टिंग को अगर हम पकड़ करके चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है आत्मेव हि आत्मना बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना, अपने मन ही हमारा बंधु है, मन ही हमारा शत्रु है। मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है, दूसरा कोई बंधु दूसरा कोई शत्रु नहीं, बस मन ही। मन कब बंधु हो जाएगा? जब मन संयम है उसमें हमारा मन बंधु है, जब मन संयम नहीं है वो शत्रु हो जाता है। फिर बताते हैं उसके बाद श्लोक बताते हैं, बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य जेन आत्मेव आत्मना जित। देखिए आत्मा 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 अनात्मनस्तु शत्रुत्व बढ़तेव आत्मेव शत्रुवत। जो मन का संयम कर लिया है, जो मन को जीत लिया है वही संसार से तर जाएंगे, जो मन को जीत नहीं पाया वो मन उनके लिए शत्रु जैसा काम करेगा।
तो अजामिल का मन भी था, बुद्धि भी था, सब कुछ था, लेकिन उनका मन अभी शत्रु जैसा काम करेगा। इसीलिए उन्होंने ये सब ये जो दृश्य देख लिया, देखने के बाद देखिए अपने मन को अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयम नहीं कर पाए। तुरंत ही वो सभी जो जितना भी गुण था वो कोई भी गुण उनके काम में नहीं आया, तुरंत उनका पतन हो गया। कैसा पतन हो गया अभी सुनेंगे, यमदूत बताएंगे। वो दृश्य देखने के बाद उन्होंने जो पाप किया वो पाप के बारे में बताएंगे। कितना पाप किया अजामिल का, कितना पाप था हम पहले सुने थे, कितना पाप था? बस एक पाप सुने थे। कैसा एक पाप अब चर्चा होने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अजामिल का 6 पाप हो गया। 6 पाप सुनेंगे, क्या क्या 6 पाप। पहला पाप, तत् निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्त विचेतन तामेव मनसाध्यायन स्वधर्मा विररामः। ये था अजामिल का पहला पाप। तत् निमित्त स्मर व्याज, बस वही चीज को स्मरण करने लगा हर समय, वही चीज जो दृश्य देखा था ना, वो दोनों जो क्रीड़ा कर रहे थे, गीत गा रहे थे, हंस रहे थे, अपने आप को आलिंगन करते हुए सब कर रहे थे, ये सब जो दृश्य वो सोचने लगा बार बार। तब निमित्त स्मर व्याज, इसलिए हम कल भी ये बात बता रहे थे, मन भैकंठ नहीं हो सकता है, मन फांका नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सोचेगा। क्या सोचेगा? जो देखे हैं, जो सुने हैं, जो अनुभव किए हैं, बस ये बात को सोचेगा ना, दूसरा बात क्या सोचेगा? जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो हमको सोचने के लिए तो कुछ कुछ मिल जाता है ना, कम से कम भगवान के बारे में हम तो कुछ तो सोच पाएंगे ना। अगर ये नहीं सुनेंगे तो कैसे सोचेंगे? चिंतन जो होता है ना, स्मरण, स्मरण दशा बोलते हैं, स्मरण भी एक भक्ति है। भगवान के बारे में अगर हम स्मरण करते हैं, भगवान के लीला के बारे में, भगवान के उपदेश के बारे में अगर हम स्मरण करते हैं तो ये भी भक्ति का एक अंग है। तो कैसे स्मरण करेंगे? जब सुनेंगे तो स्मरण करेंगे ना, नहीं तो भगवान को कैसे स्मरण करेंगे? आप भगवान को स्मरण करेंगे कितना समय स्मरण कर सकते हैं? बस 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बस खत्म हो गया। लेकिन भगवान की लीला के बारे में जब हमको पता चलेगा, जब हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद हम स्मरण कर पाएंगे। नहीं तो जगत में जो दृश्य हम देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, जो बात बोलते हैं, जगत के सभी चीज के बारे में हम स्मरण करते हैं ना, ऐसे ही स्मरण करेगा। अजामिल का ऐसा हो गया, तप निमित्त स्मर व्याज, और उनका स्थिति कैसे हो गया? ग्रहग्रस्त विचेतन, विचेतन बिल्कुल गता स्मृति, उनका स्मृति चला गया, मतलब वो अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं ब्राह्मण हूं। गता स्मृति जैसे ग्रहग्रस्त, ग्रहग्रस्त मतलब जैसे किसी आदमी के अंदर अगर भूत लग जाता है तो कैसा चलता है? वो सही ढंग से चल पाएगा? देखें कोई भूत अगर किसके भीतर चला जाए तो देखें, गांव में ऐसा देख सकते हैं, इधर तो टाउन में तो भूत भूत भी आजकल डरते हैं टाउन बाजार को देख करके, है कि नहीं? भूत भी डरते हैं, ये लोगों के पास इतना भयंकर चीज है, भूत देखकर डर कर भाग जाए। गांव में भूत भी लग जाता है कहीं कहीं, तो जब भूत लग जाएगा वो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, उनके ऊपर जो भूत उनके ऊपर सवार होगा वो एड्रेस देगा, वो भूत का एड्रेस देगा, अपना एड्रेस नहीं बता पाएगा, है कि नहीं? तो अजामिल अभी ऐसा हो गया, भूत लग गया उनको, ग्रहग्रस्त विचेतन, भूत लग गया, सब कुछ भूल गया, बस वही दृश्य को देखकर वो जो चिंतन आ रहा था मन में, इसका कारण पहला पाप क्या हुआ? अच्छा ये तो हो गया उनका स्थिति, पाप क्या हुआ? तामेव मनसाध्यायन, ये दृश्य को मन में ध्यान करते हुए पहला पाप हो गया, स्वधर्मा विररामः, अपने स्वधर्म को छोड़ दिया। स्वधर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? धर्म तो हम समझते हैं ना, धर्म तो भगवान का भक्ति करना है, तो ठीक है, स्वधर्म क्या है? ये स्व मतलब अपना धर्म, वो अपना धर्म क्या है, मतलब किसे कहते हैं स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब क्या है?
किसको कहते हैं स्वधर्म? हाँ ये तो ठीक है, इसको अगर सही ढंग से हम कहेंगे तो क्या है स्वधर्म को, कैसे हम बता पाएंगे? स्वधर्म का मतलब है एक आदमी, हर मनुष्य वो चार वर्ण या चार आश्रम के अंतर्गत होता है। चार वर्णों में से एक वर्ण, चार आश्रमों में से एक आश्रम का वो अंतर्भुक्त होता है, अंदर होता है। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये चार वर्ण चार आश्रम, हर आदमी ऐसा एक वर्ण और एक आश्रम के भीतर है। तो हर आदमी के लिए उनका आश्रमोचित धर्म पालन करना है स्वधर्म। मतलब देखिए, अगर एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के लिए आश्रमोचित धर्म पालन करना उनका स्वधर्म है। जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ का आश्रम से, गृहस्थ का आश्रम है कि नहीं, या फिर शादी होने से गृहस्थ हो गए? नहीं, गृहस्थ का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में कैसा हमको जीना चाहिए, कैसा धर्म पालन करना चाहिए हमको पता नहीं, लेकिन शास्त्र में बताया है, इसलिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, नहीं तो हमको कैसा पता चलेगा। तो गृहस्थ अपने आश्रम में जैसा धर्म पालन करना चाहिए वो शास्त्र में दिया गया, वैसा धर्म अगर पालन करता है तो वो उनका स्वधर्म होता है। तो एक एक मनुष्य क्या होता है, एक चार वर्ण और चार आश्रम में से एक वर्ण और एक आश्रम का अंतर्भुक्त होता है। तो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो कर्म करना है उनको, ये कर्म करना ही उनका स्वधर्म होता है। समझ में? तो अजय मिल का स्वधर्म क्या था? वह था ब्राह्मण और गृहस्थ, ठीक है? नहीं, ब्राह्मण था, सुने थे पहले, द्विज था और गृहस्थ था। तो गृहस्थ के हिसाब से जो कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण के नाते जो कर्म करना चाहिए वो सब छोड़ दिया। जैसे संध्या वंदना आदि भी, जैसे ब्राह्मण गायत्री करते हैं, तीन बार गायत्री करते हैं, संध्या करते हैं, अन्नी करते हैं, ये सब ब्राह्मण का काम होता है, तो ये सब छोड़ दिया। तो ये छोड़ देना ये पाप है, स्वधर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तो भगवान स्वयं बताए हैं भगवद्गीता में, भगवान स्वयं बताए हैं श्याम स्वधर्म विगुण परधर्म समुष्ठिता, स्वधर्म में निधनश्रय परधर्म भयावह। अपने स्वधर्म में रहते हुए अगर हम प्राण छोड़ देंगे तो कोई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परधर्म को अगर हम आचरण करते हैं तो भयावह। इसलिए स्वधर्म को पालन करना चाहिए, स्वधर्म पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना ही जीवन का सही सफलता है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो उन्होंने अपना स्वधर्म को छोड़ दिया, तो ये है पहला पाप। अब हम सोच सकते हैं हम हमारा स्वधर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर हम हमारा स्वधर्म नहीं कर रहे हैं तो हम भी पाप कर रहे हैं, ठीक है? अब सोच लीजिए, हम कौन है? हम ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय है, क्या है? इस हिसाब से कर्म करना चाहिए। गृहस्थ है तो गृहस्थ के हिसाब से कर्म करना चाहिए। कोई बोलेगा हमको पता नहीं, पता नहीं। अगर ऐसा बोलेंगे हमको पता नहीं, नहीं पता होना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। जैसा आप ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आप बोलेंगे नहीं मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, हो सकता है? आपको जॉब मिल गया है ना, जैसे इधर जो भी आए हैं आप सभी तो इधर रहते हैं, जॉब करते हैं, जिस फील्ड में आप जॉब करते हैं आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पता नहीं, मैं जॉब नहीं करूंगा, बस जाकर सिर्फ बैठूंगा, सैलरी लेकर आऊंगा, ये हो सकता है? तो क्या करते हैं? जॉब हमको करना है, कैसे करना है, हमारा ड्यूटी क्या है हमको बताया जाता है, या फिर हम सीख लेते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद वो करते हैं। उसी तरह हम गृहस्थ है या फिर ब्रह्मचर्य या फिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो भी है, तो हमारा धर्म क्या है हमको पता नहीं, जिज्ञासा करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, नहीं तो एक पाप लगता है, एक पाप लग जाएगा। यह पहला पाप। अच्छा, दूसरा पाप क्या है देखिए। तामेव तोषयामास पितृणर्थेन यावता ग्राम्यै मनोरमै काम्यै प्रसीदेत यथा तथा। यह दूसरा पाप। अच्छा, मिलकर दूसरा पाप क्या हो गया? ताम एव तोषयामास, ताम एव मतलब उनको
जो वेश्या को देखा था उनको तोष्यमास उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य शुरू कर दिया। उनको कैसे प्रसन्न करूं, मतलब उनके अंदर चाहत ऐसा हो रहा था मैं उनको प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, इसलिए प्रसन्न करना चाहता था। तामे वो तोष्यमास, अच्छा प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहा था, पाप क्या हो गया। पितृनर्थन ज्यावता, उनके पिता जो सही उपाय से जो धन अर्जन किए थे, जो धन इकट्ठे किए थे, सही धन सही रास्ते से हमको कमाना चाहिए। वो सही रास्ते पकड़ करके जो धन कमाए थे उन्होंने क्या किया, ग्राम्य मनोरमी काम में ही प्रसिद्ध यथा तथा जो भी उपाय हो हर उपाय से प्रसिद्ध प्रसन्न करने के लिए वो सब वस्त्र आभूषण ये सब देने लगा। ग्राम्य मतलब सब मेटेरियल चीज, भौतिक चीज। मनोरमी प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखे हैं मनोरमी, उनको उनका मन को जीत क्या बोलते हैं जीतने के लिए, टू प्लीज हर माइंड। कामई प्रसिद्धता यथा तथा वस्त्र आवरण ये सब देने लगा। जैसे पाप क्या हुआ, क्या पाप है इससे कुछ पता चलता है, पाप क्या है जी, क्या पाप है। इस श्लोक में हमको पाप के बारे में तो बताया गया है ना, तो पाप क्या हुआ इधर, पाप हुआ ये, ठीक है सुन लीजिए, पाप क्या है, पाप है धन को गलत रास्ते में खर्च करना, ये पाप है। धन को सही रास्ते में ही लगाना चाहिए, सही सही तरीके से अर्जन करना चाहिए और सही रास्ते से खर्च करना चाहिए, गलत रास्ते से नहीं। वो गलत रास्ते खर्च किया ना, वेश्या को प्रसन्न करने के लिए धन को खर्च कर रहा है, ये पाप। हम सुने थे ना, धन को अर्जन करने के लिए भी कोई दूसरा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भूल कार्य कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब ये धन देखिए बहुत सुंदर बात है, धन दो तरीके से अर्जन किया जाता है, इसलिए धन दो तरीके से होता है, धन दो प्रकार के होता है, पता है किसको, धन दो प्रकार का होता है हाँ जी, काला धन और एक और पीला नीला लाल, ये सब नहीं है ये दो तरीके से धन होता है, वो सही है काला धन और सफेद धन। लेकिन शास्त्र में क्या गया, क्या कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है शुक्लवित्त अशुक्लवित्त, शास्त्र में ऐसा कहा गया है शुक्ल अशुक्ल, शुक्ल मतलब शुद्ध, अशुक्ल मतलब दूषित। जो धन दूषित धन है, धन तो धन है दूषित किया है, मतलब दिना तो दिना रहे ना, दूषित किया है, दूषित मतलब हम जो कार्य के माध्यम से अर्जन कर रहे हैं, ये कार्य अगर सही है तो वो धन शुक्ल है, अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो वो धन दूषित है। इसलिए धन दो तरीके से शुक्ल और क्या बोलते हैं अशुक्ल, और धन को खर्च करना भी ऐसा सही ढंग से खर्च करना चाहिए, नहीं तो गलत रास्ते पर वो गलत रास्ते से चला जाएगा। सही रास्ते में खर्च करने के लिए बस एक ही रास्ता है, क्या जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान को माध्यम करते हुए खर्च करना चाहिए, नहीं तो हमको लगकर गलत रास्ते में चला जाएगा। धन का बहुत दोष भी है पता होना चाहिए, कभी सुनेंगे आगे आएगा अभी तो ये चर्चा करने की टाइम नहीं है। धन का कितना दोष है 11th कांड में बताया गया है, भगवान बताते हैं। इसका मतलब नहीं हम धन कमाई नहीं करेंगे, नहीं तो हम चलेंगे, हम अपने गुजार कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम जी लेंगे, कैसे जीना चाहिए ना, धन तो चाहिए, बिना धन हम तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन धन कैसे होना चाहिए ये शास्त्र हमको बताता है, धन को कैसे खर्च करना चाहिए ये भी शास्त्र बताता है। तो उन्होंने गलत रास्ते पर भगवान का मतलब ये उनके पिता का जो सही धन था शुक्ल वित्त था ये गलत रास्ते में खर्च किया, ये था दूसरा पाप। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है, अगर हम धन को गलत रास्ते पर खर्च करते हैं तो हम भी पाप अर्जन करते हैं, क्योंकि धन को कहा जाता है, धन को हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, धन को हम लक्ष्मी कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी को गलत रास्ते पर खर्च करना ये सही है क्या, भगवान प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होंगे,
नहीं, लेकिन वो लेकर वो मसीह को प्रसन्न करने के लिए खर्च कर रहा था। ये दूसरा। अच्छा, तीसरा पाप क्या है अभी बताएंगे। विप्रंस भज्यं अप्रोढा कुले महति लंबितं विशसज्ज चिरत पापः स्वरिण्यपांग विद्धति। तीसरा पाप था विप्रंस भज्यं अप्रोढा। वो विप्रा बोल रहे हैं, विप्रा उंगली दिखाकर बोल रहे हैं यमदूत। विप्रा स्वभार्यम अपने भार्या अपने जो पत्नी वो कैसे थे, अप्रौढ़ा मतलब युवती, जैसे प्रौढ़ प्रौढ़ मतलब कुछ समय ऐसा हुआ था ना, कुछ समय प्रौढ़ शिक्षा बुढ़ा बुढ़ी ये सब लोगों को शिक्षा दे रहे थे प्रौढ़ शिक्षा। अप्रौढ़ मतलब युवती, अपनी युवती स्त्री को विप्रा स्वभार्यम अप्रौढ़ा कूड़े महतलंबितम, कूड़े महतलंबितम बहुत सुंदर टीका चक्रवर्ती बताए हैं। तस्या पित्रा विचर्च्य दत्तम इत्यर्थ, मतलब उनके पिता मतलब अजामिल के ससुर बोलते हैं ना हिंदी में, अजामिल के ससुर अपनी कन्या को देने के लिए सही मतलब अति शुद्ध व्यक्ति समझ करके सही गुण संपन्न व्यक्ति को चुन करके दिए थे, लेकिन वो क्या किया, विशसर्ज त्याग कर दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कैसी अवस्था में, स्वभर्जम अप्रोढ़ा युवती अवस्था में, युवती अवस्था में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बोलते हैं, विशसर्ज अचिरात अचिरात तत्क्षणात तुरंत छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए ना, स्वैरण्य अपांग विद्धि, तो विषय के अपांग विद्धि मतलब कटाक्ष, मतलब कटाक्ष से वो इतना आकृष्ट हो गए थे, वो धन दे रहे थे ना, उनको सब चीज दे रहे थे ना, धीरे 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 उनके साथ एक आत्मीयता आ गया, क्लोज रिलेशन आ गया, और उनके दृष्टि से वो इतना आबद्ध हो गए थे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पाप क्या हुआ, पाप क्या इधर, पाप क्या पता नहीं चलता। पाप है पत्नी को छोड़ देना, पत्नी कभी भी त्याज्य नहीं है, पत्नी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो आजकल नए वर्ष होता है छोड़ देते हैं, ये तो आजकल का एक फैशन हो गया है, विदेश में तो ये बहुत बहुत चलता है, ये शास्त्र में दिया नहीं गया, ये वर्जित है। वैदिक सिद्धांत क्या है, जो पत्नी ग्रहण करते हैं कैसे ग्रहण करते हैं, यज्ञ होता है ना, हवन होता है कि नहीं, हवन होता है, अग्नि साक्षी रहते हैं, दीपक साक्षी रहते हैं, देवता लोग साक्षी रहते हैं, सूरज साक्षी रहते हैं, भवन साक्षी रहते हैं, वेदों का मंत्र वहां उच्चारण किया जाता है। और पत्नियों कैसे छोड़ देंगे, पति पत्नी आपस में मिलन मतलब उनका एक पवित्र बंधन में वो बंध जाते हैं अपने जीवन को सही रास्ते में लेने के लिए, मतलब भगवान को पाने के लिए। छोड़ देना ये गलत है, ये पाप है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो चाह रहा था वो वैश्य को पास लाने के लिए। तब वो वैश्य ने एक बात बोला, देखो ठीक है मैं तुम्हारे पास रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी, अगर रहना है तो तुमको मेरे पास आना होगा, वो ऐसा शर्त रख लिया। तभी तुरंत तत्क्षणात विशेषज्ञ अचिरात तत्क्षणात अपनी पत्नी को छोड़ दिया, छोड़कर चला गया। तो ये था कितना, कौन सा पाप, कितना नंबर, कौन सा, तीन नंबर पाप हो गया। अभी चार नंबर पाप बताएंगे। जतस्ततश्च वनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनं भवारस्य कुटुम्बिन्यं कुटुम्बं मन्दधि अयम्। ये चौथा पाप। जतस्ततश्च वनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनं, जैसे तैसे धन अर्जन करने लगा। इसके बारे में हम पहले सुने थे, मंदी अखे कैतवे सज्जी गरिदम प्रतिमास्थित विभ्रत कुटुम्बम असुजी जातया मास देहिन, इस श्लोक हम पहले सुने थे। चार गलत उपाय से वो धन अर्जन कर रहा था, लोगों को कष्ट देकर, ये चार जो उपाय, बंदी अखी कैदवी एक गलित वृत्ति को अवलंबन कर और जीवों को कष्ट देकर ऐसा धन अर्जन कर रहा था। अभी यमदूत ये बता रहे हैं जतस ततस उपाय निन्ने न्याय तो अन्याय तो धनम, हर उपाय से वो सोच नहीं रहा था कि ये कौन सा उपाय सही है कौन सा गलत है, बस जैसे भी हो धन
रोजगार करना चाहिए ऐसा सोचकर वो धन इकट्ठे कर रहा था। न्याय तो अन्याय तो धनम, न्याय अन्याय कुछ उनका ज्ञान नहीं रहा। व्यवहारस्य कुटुंबिन्यं, अपने कुटुंब को पोषण कर रहा था। कुटुंबं मंदधि अयम, देखिए अयम मतलब हाथ दिखाकर बोल रहे हैं, अयम ये अयम ये यम तो दिखा रहे हैं हाथ बोल रहे हैं, ये अपने कुटुंब को पालन कर रहा था। ऐसा गलत उपाय से धन इकट्ठे करके अपने कुटुंब को पाल रहा था। तो शास्त्र में बताया गया है धन अर्जन करना भी सही ढंग से होना चाहिए। हम पहले बता दिए सुप्रवित होना चाहिए। अगर हमारा घर में अगर दूषित धन आ रहा है, ये शास्त्र का सिद्धांत है, किसे अच्छा लगे या नहीं लगे ये हमारा हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में जरूर लगाना चाहिए धन को। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हमको पता होता है कि धन हम जो काम करते हैं रोजगार करते हैं कहीं ना कहीं तो गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं तो भूल हो जाता है। इसलिए धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कम से कम भगवान को घर में रखना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो भी हम कुकिंग करते हैं भगवान को देना चाहिए, बस शुद्ध हो जाएगा धन, नहीं तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। व्यवहारस्य कुटुंबिन्यं, कुटुंबं मंदधि अयम्, अपने कुटुंब को पालने के लिए ऐसा कार्य कर रहा था। न्याय तो अन्याय तो, न्याय अन्याय कुछ भी नहीं सोचा। आजकल तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, बस पेट पोसने के लिए पेट पालने के लिए जो भी करना है वो सब जायज है, ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं। आजकल उड़िया में कहावत है, पेट पोसो नहीं दोस्तों। लोग उड़िया में ऐसा कहते हैं, मतलब पेट पोसने के लिए सब कुछ जायज है। कौन बोला है, कौन सा शास्त्र में बताया गया है जरा बताइए, इधर भी नहीं है। एक शास्त्र में है, मनुमानस कहते हैं, लेकिन शर्त है, कंडीशन सप्लाई लिखा जाता है ना लास्ट, कंडीशन सप्लाई शर्त लागू है। शर्त है, ये शर्त लागू है। क्या शर्त है शास्त्र में ऐसा बताया गया है, अगर घर में अगर हम सही ढंग से रोजगार करते हुए अपने घर को अपने कुटुंब को पालन नहीं कर पा रहे हैं तब कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन सभी समय नहीं नहीं नहीं, नहीं। शास्त्र का सिद्धांत भी हमको पता होना चाहिए ना। बहुत सुंदर मनुसंहिता में, मनुसंहिता में महाराज मनु महाराज ये बात बोलते हैं, वृद्धं च मातापितरौ, वृद्धं च मातापितरौ सती सद्भी और सुत शिशु, वृद्धं च मातापितरौ सती सद्भी सुतं शिशु अपकार्यं सदं कृत्वा भर्तव्यं मनुं अब्रवीत। मनु महाराज ऐसा बोलते हैं, वृद्धो च मातापितरौ, पिता माता वृद्ध हो गए हैं, सही ढंग से हम धन कमा कर उनको पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन सभी समय नहीं। धन अगर मिल गया, मिल जाने के बाद फिर हम धन इकट्ठे करने के लिए बस गलत काम कर रहे हैं, ये गलत हो गया। वृद्धो च माता पितरौ सती सद्भी, अपनी पत्नी सती पत्नी को पालन करने के लिए, इसका मतलब नहीं कि पत्नी बोलेगी मुझे क्या ऑर्नामेंट चाहिए लाओ तो जैसे भी ऑर्नामेंट लेने के लिए धन को इकट्ठे करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पालन करने के लिए। और सुत शिशु छोटा बच्चा, सही ढंग से हम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गलती हो जाता है तो ये माफ किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये एक माध्यम दिखाकर बस सारा जीवन ऐसे ही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए ये क्या बोलते हैं माफ किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कंडीशंस लागू, कंडीशन सब है। तो व्यवहारस्य कुटुंबिन्यं कुटुंबं मंदधि अयम्, मतलब ये कौन सा पाप था, चौथा पाप था। बहुत देर तक उन्होंने ऐसा न्याय अन्याय बिल्कुल चिंता मत करके बस धन को इकट्ठे कर रहा था। कितना दिन तक हम पहले सुने थे, 88 साल तक है कि नहीं। अच्छा, और बाद में बताएंगे इस श्लोक में दो पाप है, क्या है। अच्छा जी, लोग दो कहते हैं शास्त्र में, एक मतलब भागवतम अगर कोई पढ़ेगा तो एक जैसा लगेगा, लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं दो पाप इधर हो गया।
क्या हुआ बोल देखिए, जदसो शास्त्र उल्लंघ्य स्वैराचार्य अति गर्भित अवर्तितं चिरं कालं अघायो असुचिर्मला। पांचवा पाप क्या था? जद असो शास्त्र उल्लंघ्य स्वैराचार्य अति गर्भित, ये था पांचवा पाप। शास्त्र को उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी होकर अति गर्हित कार्य कर रहा था, यह पाप। मतलब शास्त्रों को, शास्त्र के निर्देश को हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, शास्त्र के नियम को हमको सबको मानना चाहिए। अगर हम शास्त्र के नियम को नहीं मानते हैं तो ये पाप है। कौन बता रहे हैं? जो दंड देंगे, दंड देने वाले हैं वो बता रहे हैं, है कि नहीं? तो शास्त्रों के सिद्धांत को हमको, हम बोलते हैं नहीं हमको पता नहीं, शास्त्रों के सिद्धांत को पता नहीं, शास्त्रों में क्या कहा गया है हमको मालूम नहीं। तो मालूम नहीं मतलब कैसे मालूम होगा, कैसे मालूम होगा, इसके लिए हम प्रयास करते हैं क्या? पता नहीं बोल देते हैं, ठीक है हमको पता नहीं, ठीक है कैसे मालूम होगा, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए ना, है कि नहीं? बहुत सारा चीज हम प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं ना। मोबाइल कैसे चलता है किसी को मालूम था क्या? पहले जो मोबाइल आया पता था, स्मार्ट मोबाइल जब आया कैसे वो चलता है किसी को मालूम था? आजकल देखिए छोटा बच्चा को दे दीजिए वो भी चला देगा, उनको भी पता है। हाँ जी तुम्हें पता है? सभी को पता है। तो देखिए हमको बहुत सारा चीज मालूम नहीं है फिर भी हमको मालूम पड़ता है या फिर हम सीखते हैं। तो देखिए हम, हमको सब कुछ तो सीख कर हम तो आगे बढ़ते हैं ना। तो शास्त्रों का सिद्धांत क्या है, हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमको क्या शिक्षा दिया गया है, हमारा जीवन को हम कैसे सुधर पाएंगे, इसके लिए शास्त्रों में जो शिक्षा दिया गया है वो जो नियम है हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं? अगर मालूम नहीं है तो फिर हमको जिज्ञासा करना चाहिए ना, ढूंढना चाहिए ना, अनुसंधान करना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए ना। लेकिन हम बोलते नहीं हमको पता नहीं। वहां जब जाएंगे, जैसे अगर कोई, उस दिन प्रभु जी बोल रहे थे इधर ट्रैफिक का नियम कितना कड़ा है, कितना टाइट है, पर ट्रैफिक में जाकर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो प्रभु जी बोल रहे थे फांसी जैसा दंड मिलता है इधर, मतलब इतना कड़ा नियम है। हम उस समय अगर एक्सीडेंट हो गया हम बोलेंगे क्या करें, मुझे पता नहीं था, मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे छोड़ देंगे पुलिस, क्या करेंगे उस समय? आप जितना गिड़गिड़ाएं, जितना उनका पैर पकड़े, जो भी किए, जो भी करिए, पुलिस छोड़ देगा? छोड़ नहीं सकते। अगर ज्यादा उनको रिक्वेस्ट करें वहां थप्पड़ लगाएंगे, चुप चलो जो होगा नियम जैसा है और जो फैसला होगा वो सुनना पड़ेगा तुम्हें। तो देखिए यहाँ रास्ते में चलने के लिए इतना नियम है, इतना कड़ा नियम है, अगर हमको पता नहीं है फिर भी हमको पालन करना पड़ता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसानी से नहीं मिलता है, सब कुछ सीखने के बाद मिलता है। तो हमको कैसे मनुष्य जीवन कैसे बिताना चाहिए ये भी पता होना चाहिए कि नहीं? हम तो मनुष्य है, जो मनुष्य नहीं है उनको पता नहीं होने से बस चलेगा, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए ना। इसलिए क्या करना चाहिए हमको बताइए, क्या करना चाहिए? हाँ जी, किसको जिज्ञासा करें, किसको जिज्ञासा करेंगे? आश्चर्य हमको, हमको आश्चर्य सभी समय नहीं मिलेंगे, हमको तो साधु सभी समय नहीं मिलेंगे। हाँ जी, इसीलिए कम से कम भागवत हम तो पढ़ेंगे, इसलिए कम से कम भगवत गीता रोज पढ़ना चाहिए, रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, ये बात बोलते हैं, सभी सभी शास्त्रों का ये सिद्धांत है, ज्ञेया गीता नाम सहस्रम ध्येयसी पति रूप अजस्रम नेय सज्जन संगे चितम देयादीन जनाय चवितम भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो बताते हैं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ज्ञेय गीता, गीता के बारे में ज्ञेय मतलब ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए।
क्यों? गीता में भगवान जो उपदेश दिए हैं किसके लिए दिए हैं? बाहर जो बिल्ली घूम रहे हैं उनके लिए दिए हैं। इधर किधर तो बहुत बिल्ली घूमते हैं, क्या उनके लिए दिए हैं? या कुत्ते जो घर में जो कुत्ते पालते हैं उनके लिए दिया गया है, या छिपके लिए दिया गया है, या पेड़ पौधे के लिए दिया गया है, भगवान किसके लिए ध्यान दिए हैं? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसा पता चलेगा? इसीलिए हमको शास्त्रों के सिद्धांत को पकड़ करके हमको जीवन ऐसे बिताना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। आप देखिए छोटा सा अध्याय देखेंगे, 16 चैप्टर देखिए, लास्ट लोग क्या दिया गया है, भगवान स्वयं बताते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। इसीलिए तस्मात्, इसीलिए हम सबको शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, इसलिए शास्त्र के प्रमाण से क्या कार्य है क्या अकार्य है ये बताया गया है, हमको ऐसा पता होना चाहिए। और ऐसा पता होने के बाद जो शास्त्रों का विधान है बस उस हिसाब से हमको कर्म करना चाहिए। भगवान बताते हैं, देखिए भगवद गीता में स्वयं बताते हैं भगवान। 16 चैप्टर लास्ट श्लोक देखिए, हाँ लास्ट वर्स देखिए ना, ज्ञानता शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्रों के विधान को जान करके कर्म कर्तुम यह अर्हसि, यहां कर्म करना चाहिए, इसका अर्थ ये श्लोक का अर्थ। शास्त्र का विधान हमको पता होना चाहिए और वैसे ही हमको कर्म करना चाहिए। हम बोलेंगे हमें पता नहीं, पता होना चाहिए, पढ़िए, पढ़ना चाहिए। तो देखिए अजामिल को सब ज्ञान था फिर भी वो सब छोड़ दिया, हमको तो पता नहीं हमारा स्थिति क्या होने वाला है, जरा सोचिए। अजामिल को सब ज्ञान था, सब कुछ छोड़ दिया, अभी हमको बिल्कुल पता नहीं, हम कैसे संभाल पाएंगे अपने आप को, जरा सोचिए। मतलब हमारा स्थिति कितना गंभीर है, कितना खतरनाक स्थिति है हमारा। अजामिल के इतने गुण था फिर भी वो ऐसा स्थिति में है अभी। तो ये है पांचवा। और छठा, छठा भाव क्या है? अवर्तितं अवर्ततं चिरं कालं अघायु असुचि मलात्। दीर्घ काल वो क्या असुचि भोजन कर रहा था, असुचि भोजन में भी सुचि असुचि है, धन में जैसे सुचि असुचि हम कहते हैं, भोजन भी ऐसा है सुचि असुचि, शुद्ध भोजन अशुद्ध भोजन। अजामिल दीर्घ काल तक ऐसा अशुद्ध भोजन किया था, 88 साल तक वैसे के हाथ से खा रहा था असुचि। बाहर किससे हाथ में हाथ से नहीं खाना चाहिए, बाहर किधर भी नहीं खाना चाहिए। पता है पद्म पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाहर किधर भी खाने की इच्छा नहीं होगा, खाएंगे भक्तों से, भक्तों के हाथ से खाएंगे, नहीं तो ये वैसे के हाथ से खा रहा था। हम जो जाते हैं, मैं बस हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई गलत समझेगा मत, हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाते हैं, होटल में जाकर खाते हैं, इधर उधर खाते हैं, जो खाते हैं वो गलत है, वो असुचि मना असुचि। आप जरा सोचिए जो कुकिंग करता है होटल में उनका स्थिति क्या है, किसी को पता है? वो नहाकर कर रहा है, शुद्ध होकर कर रहा है, कैसा कर रहा है पता है किसको? हमको पता है, बस हम जाकर खाते हैं, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। उनका विचार जो होगा वो विचार संक्रमित होगा, आएगा, किसी के हाथ में नहीं, हाथ से नहीं खाना चाहिए, बाहर में घर में खाना चाहिए। बस किसके हाथ से खाना चाहिए, किसी के हाथ से खाना चाहिए, शास्त्र में दिया गया है। घर में अपनी माँ के हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि माँ जब कुकिंग करते हैं बच्चों के लिए वो प्यार से करते हैं, है कि नहीं? पत्नी के हाथ से खाना चाहिए, पत्नी जो पति के लिए कुकिंग करते हैं वो प्यार से करते हैं कि मेरा पति को भी पसंद है, बस ऐसा मैं करूँ, कि माँ भी सोचती है हाँ ये मेरा बेटा को पसंद है ऐसा मैं करूँ, या फिर बहन या फिर घर में भाभी जो भी हो वो प्रेम से करते हैं। जो होटल में करते हैं क्या वो ऐसा सोचते हुए करते हैं? वो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? वो करते हैं कैसे वो उसको टेस्टी बनाया जाए, जो भी डालिए उसके अंदर बस टेस्टी बनाना चाहिए। वह प्यार नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं वो कम देकर ज्यादा धन कैसे संग्रह करेंगे,
इसलिए वो ऐसा टेस्टी बनाते हैं। और जो आप देखिए बाहर खाइए चित कैसा होता है, जैसे आप जगन्नाथ मंदिर को जाएंगे जगन्नाथ प्रसाद खाकर आएंगे उस दिन चित कैसा है, बाहर होटल में खाकर आएंगे उस दिन चित कैसा है मालूम हो जाएगा। हालांकि आजकल तो किसी को मालूम नहीं होता है क्योंकि सब तो बिल्कुल बिगड़ गए हैं इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन चित्त के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। बाहर किधर भी खाना नहीं चाहिए, किधर भी नहीं। कल हम सोच रहे थे, कल माता जी बोल रहे थे तो बाहर जाएंगे तो कैसा होगा, बाहर जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं जी पाएंगे, भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाहर जाते हैं क्या हम एक दो दिन में मर जाएंगे, मर जाएंगे नहीं, नहीं मरेंगे ना हम। जैसे हम कल कह रहे थे ये बात, अगर हम ठान ले कि मैं बाहर किधर भी नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा तो भगवान आपके लिए चिंता करेंगे, आपके लिए भगवान जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। जैसे माता जी कल बोल रहे थे कि नहीं आपके लिए बहुत भक्त हैं, आपके लिए रसोई कर देते हैं बस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जब हम किधर पहुंच जाते हैं तो मिल जाते हैं, जब दो तीन दिन के ट्रेन में जर्नी करते हैं उधर कौन देते हैं, वैसा भी तो हमारा बहुत दिन चलता है तो कौन देता है। हाँ हाँ ठीक है। तो आप तो कल बोल रहे थे ना कि आपके लिए बहुत सारे, आप भी तो बोल रहे थे नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, बस ये सही बात है। आपको अच्छा लगे या गलत लगे ये मैं सोचना हूँ सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन सही जो वो सही है, शास्त्र में जो दिया गया है ना। देखिए पद्म पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा किस किस के हाथ से नहीं खाना चाहिए। बहुत एक एक चैप्टर है, एक अध्याय है, सभी लोगों के बारे में बताया गया है। एक श्लोक बस मैं अभी बोलने जा रहा हूँ क्योंकि वो वैश्य के हाथ से खा रहे थे। देखिए पद्म पुराण का एक श्लोक है, नटनं नर्तकानं च चण्डाल चर्मकारिणं गणानं गणिकानं च सडनं च विवर्जयेत्। ये श्लोक में बताया गया है ये छह हाथ से नहीं खाना चाहिए। ऐसे एक चैप्टर है, एक अध्याय है, नटनं जो नट है, नट मतलब जो अभिनेता है एक्टर, उनके हाथ से नहीं खाना चाहिए। नर्तकानं जो नर्तक या नर्तकी जो डांसर है उनके हाथ से नहीं खाना चाहिए। नटनं नर्तकानं ऐसा एक अध्याय है, बस एक श्लोक में लाया हूं ये बात बताने के लिए, वो विषय था चंडालं, चंडाल के हाथ से नहीं खाना चाहिए। चर्मकारिणं जो चर्म के कार्य करते हैं, चमड़ा काम करते हैं ना, चमार बोलते हैं, उनके हाथ से नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि उनको निंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो अपने स्थिति में वो भी भक्त हो सकते हैं, अगर भक्त हो गए तो भक्त के नाते खा सकते हैं, भक्त हो गए तो भक्त के हाथ से खा सकते हैं, लेकिन अगर भक्त नहीं है उनका, भक्त भक्त नहीं, भक्ति नहीं कर रहे बस उनका स्थिति बिल्कुल बिगड़ गया। चर्म परिणाम भक्त होते हुए करता है तो इससे हम उसको कैसे भक्त कहेंगे। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न किया। अगर भक्त है और गलत कार्य करते हैं, अशुद्धि कार्य करते हैं, अच्छा नहीं वो धीरे धीरे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन धीरे धीरे भगवान उनको शुद्ध बुद्धि देंगे, धीरे 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 उनका स्थिति सुधर जाएगा, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस। तो देखिए क्या क्या चर्म कारण और गणानंग गणिकानंग गणान मतलब बहुत लोगों के हाथ से, गण बहुत लोग इस होटल में जाते हैं खाने के लिए, कभी कौन वेटर आ कर देते हैं पता नहीं, बहुत लोग आकर देते हैं ना, नहीं खाना चाहिए। गणी करना विषय का से चाह सड़नंग विवर्चयत, ऐसे एक चैप्टर दिया गया है। मैं जब पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं हैरान हो गया, अरे बाप रे, तो किधर खाएं, किधर भी नहीं खाना चाहिए, बस जो भक्त है भक्त के हाथ से खाना चाहिए। तो अजय मिल ऐसे बहुत दिन तक अघायु असुचि मला अवर्ततं चिरं कालं दीर्घकाल तक वो असुचि भोजन कर रहे थे,
भजन में भी सूची अशुचि होता है, जैसे सूचि क्या है अशुचि क्या है, अशुचि मतलब जो बिल्कुल नॉनवेज जो खाते हैं वो तो बिल्कुल नरक जाए नहीं जाएंगे, उनके लिए तो बिल्कुल माफी नहीं है, नरक जाएंगे। एक जीव को हत्या करके खाना ये क्या बुद्धिमान है? बुद्धिमान नहीं, नरक जाएंगे। हाँ जी हाँ नहीं, इसलिए हम जब मनुष्य जन्म मिला है हमको सुधरना चाहिए ना। देखिए हम सोचेंगे स्कूल में हमारे क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट है, सभी फेल होंगे, सभी तो फेल होंगे, मैं भी फेल होऊंगा, ऐसा सोचना सही बात है क्या? ऐसा सोचना बुद्धिमानी है क्या? नहीं ना। अरे वो फेल होंगे ठीक है, मैं तो फर्स्ट क्लास पाऊंगा ना, ऐसा सोचते हैं ना, है कि नहीं? हाँ जी नहीं तो नरक जाकर तो जातना बहुत कठिन जातना भोगेगा जी, भोगने के लिए तो है वहाँ, तो हम जाकर जातना भोगेंगे ये बुद्धिमानी काम है नहीं ना। इसलिए जो सब ऐसा भोजन करते हैं जाएंगे। कल हम सुनेंगे प्रभु जी, कल तो मुझे रिक्वेस्ट किए थे, कल हम सुनेंगे इधर तो नहीं, हमारा वहाँ होगा प्रभु जी के घर में होगा महाप्रसाद महात्म्य, वहाँ सुनेंगे, अगर कोई जाएगा तो जाएगा, लेकिन उड़िया में होगा वो क्लास महाप्रसाद महात्म्य। कैसे हमको खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, आप जाएंगे तो सुनेंगे क्या सब प्रभु जी, सभी जाएंगे तो होगा ना। देखिए प्रभु जी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ओडिया में होगा वो क्लास, अगर किसी को समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन करके आप सुनेंगे। तो जो भी हो प्रसाद पाना चाहिए, नहीं तो अशुचि हो जाता है, भोजन अशुचि हो जाता है। हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं आमिष मतलब नॉन वेज खाना ही अशुचि है, जो वेजिटेरियन है वो अशुचि नहीं, वो शुचि है, नहीं नहीं नहीं, वेजिटेरियन भी अशुचि है, अगर भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो अशुचि है। इसलिए ये अशुचि भोजन वो कर रहा था अजामिल, कितने दिन तक, 88 साल तक। जो शुचि भोजन करते हैं ना, जो प्रसाद सेवन करते हैं, आज मैं बोल रहा था माता जी, आप सुनेंगे कल जो जाएंगे वहां सुनेंगे, बस प्रसाद सिर्फ इतना बात सुन लीजिए, बहुत बहुत श्लोक है, आज मैं ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा था कौन सा शास्त्र में कौन सा श्लोक है। हाँ जी नहीं नहीं, किधर लाकर प्रभात को लगाना ये गलत है, आप बनाइए ना, बना कर लगाइए कोई नहीं, होता है क्या ये तो दूसरी बात है, होना नहीं चाहिए। नहीं स्वीट, देखिए दो चीज ऐसा है जो दो चीज में कोई दोष नहीं लगता है, दोष नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब दोष दोष दृष्टि से देखना ये गलत है। एक है दूध, दूध में कोई दोष नहीं है, मतलब दुग्ध जातीय सभी वस्तु है इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा अगर स्वीट कोई लाता है, रसगुल्ला चीज केक लाता है, रसगुल्ला लाता है, ये सब दुग्ध जातीय द्रव्य ना, मतलब छेना से, छेना हिंदी में क्या बोलते हैं, छेना से होता है ना, दुग्ध दही छेना ये सब जिधर लाएंगे वो कोई दोष नहीं है, नहीं तो दूसरा स्वीट्स ये नहीं हो सकता, शास्त्र में मना किया गया है। तो आचार्य लोग जब बोलते हैं, क्योंकि हम ठान लेते हैं ना नहीं हमको ऐसा खाना है, आचार्य बोलते हैं ठीक है खाओ कम से कम भगवान को भोग लगाओ, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए ऐसा बोल देते हैं और क्या, नहीं तो उनको ही पता है ना कि आचार्य लोग को पता नहीं है ये सब सिद्धांत, ये पता है उनको, वो हम हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अरे वो तो जिद करके बैठा है ना, क्या करें उनको, अगर नहीं नहीं करेंगे मना करेंगे तो बिल्कुल जॉब फॉब सब छोड़ दे, मैं अभी भक्ति ही नहीं करूंगा ऐसा सोचेगा, है कि नहीं, कम से कम भक्ति कर रहा है, करने दीजिए खाने दीजिए, कम से कम भगवान को भोग लगाओ। इसलिए इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक बात बताते हैं, नहीं तो सब छोड़ देंगे हम सब। तो इसलिए जो भक्त लोग अगर कुछ बनाते हैं तो ठीक है, भक्त लोग बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर से खरीद कर हम लाएंगे करेंगे ये नहीं हो सकता है। नहीं क्या खाते हैं, कौन खाता है ये बात नहीं,
बात यह है बाहर से किधर भी खाना नहीं चाहिए, बस मंदिर में हम खाते हैं। जैसे मंदिर में हमारा गोविंदा से भवन के लिए भवन के पास भोग लगता है, ना पी भी नहीं सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। हाँ जी, और दूध दही ये सब पी सकते हैं, फिर वो डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। हाँ जी, पानी दूध और तीसरा चीज दही छाछ। नहीं, आपने तीन चीज बताया ना जो अशुद्ध नहीं होता है। पानी, ये जो दूसरा सब ड्रिंक्स होता है ना, ये सब गलत है, ये सब वर्जित है, हमको पता नहीं। हाँ जी, फल नहीं, फल अशुद्ध नहीं है। नहीं, फल तो फल के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फल अगर किसी से हम लाते हैं, किधर से लाते हैं, काट करके लाते हैं ना, वो गलत है, डायरेक्ट ला सकते हैं। काट करके लाएंगे तो वो जो नाइफ से काट रहा है वो नाइफ किधर किधर यूज करता है हमको पता नहीं ना, हो सकता है वो नाइफ में जाकर मछलियां भी काट सकता है, काटता होगा, किसको पता है क्या? नहीं। प्याज भी काटता होगा, किसको पता है क्या? ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे डायरेक्ट आकर पर्सनल भी मिल सकते हैं, अभी हम आगे चलाएंगे, ठीक है? नहीं तो अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो ये रह जाएगा, रुक जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसा आवर्तित चिरण कालम अघाई असुचि मणात, ऐसा बहुत देर तक वो ऐसा ही भोजन कर रहा था, तो ये 6 पाप हो गया था। अभी बताते हैं यमदूत, इस कारण इसको हम लेने के लिए आए हैं, अभी ले जा रहे हैं। किसके पास? दंडपाणे, यमराज का एक नाम है दंडपाणी, क्योंकि उनके हाथ में दंड है। शिव जी को बोलते हैं सूलपाणी, उनके हाथ में त्रिशूल है। भगवान को बोलते हैं चक्रपाणी, क्योंकि उनके हाथ में चक्र है। तो यमराज है दंडपाणी। तथा एनं सकाशे दंडपाणे सकाशं कृतकृभिषम, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए हैं, दंडपाणी के पास लेकर जाएंगे। और क्यों लेंगे? बोलते हैं निश्चम अकृत निर्भेशम यत्र दंडेन शुद्ध्यति, उनको दंड देकर हम, क्योंकि वो पाप किया है लेकिन प्रायश्चित नहीं किया है। अकृत बोलते हैं निश्चम अकृत निर्देशन, इन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए हम उनको लेकर दंड देकर उनको सही करेंगे, उनको सही शिक्षा देंगे। ऐसा कहकर वो बोल रहे थे कि इसलिए हम लेकर जा रहे हैं। जब ये बात सुने तब ये पहला अध्याय खत्म हुआ इधर, मतलब ये 2 अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं। आज इतने दिन चला जाए, पहला अध्याय खत्म हुआ और 1 अध्याय है, बस आज टाइम भी हो गया, कल 1 दिन में 1 अध्याय सुनेंगे, 3रा अध्याय का भी कुछ सुनेंगे, फिर भी हम कथा के माध्यम से हम सुनेंगे। तो जब ये बात सुने यमदूत का, ये बात सुने विष्णुदूत क्या कहें, अब सुनिए 2nd चैप्टर में। विष्णुदूत हंसने लगे फिर, अहो कष्टम धर्म दृशम अधर्म स्पृशते सवाम जत्र दंडी सो पापे सो दंडो जय ध्रियते वृथा। उन्होंने बोला अहो कष्टम, हाय हाय कितना कष्ट की बात है, अहो कष्टम धर्म दृशम अधर्म स्पृशते सभाम, धर्मराज के सभा को अधर्म स्पर्श कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? विष्णुदूत ऐसा हंस रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, अहो क्या कष्ट है, धर्मराज यमराज के, यमराज को धर्मराज कहते हैं, धर्मराज के सभा को अधर्म स्पर्श कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जत्र अदंडेशु अपापेशु, जो अदंडेशु जिनको दंड देना उचित नहीं है, दंड पाना वो दंड पाने का अधिकारी नहीं है, अपापेशु जिनका पाप नहीं है, दंडो जय ध्रियते वृथा, इनको वृथा मतलब मिथ्या, वृथा मतलब क्या बोलते हैं, झूठ मूठ कर उनको दंड देने के लिए ले रहे हैं,
देखिए अभी हम सुने हैं उनका इतना पाप के बारे में, सुने कि नहीं, छह पापों के बारे में सुने हैं, लेकिन विष्णु दूत बोल रहे हैं वो दंड पाने का अधिकारी नहीं है, उनका पाप नहीं है, अपापेशु अदंडेशु, वो दंड पाने का अधिकारी नहीं है, पाप उनका नहीं है, वृथा उनको दंड लेने के लिए दंड देने के लिए ले जा रहे हैं। जब ये बात सुने यमदूत हंसने मतलब आश्चर्य हो गया, अरे हमने अभी अभी बताया इतना पाप, ये बोल रहे हैं दंड पाने का अधिकारी नहीं है, ऐसा हो सकता है? लेकिन विष्णु दूत को सब मालूम है ना, सिद्धांत मालूम है ना, अभी विष्णु दूत बोलेंगे, बहुत सारा श्लोक है, मैं कुछ कुछ छोड़ कर आगे जाऊंगा, विष्णु दूत बोलेंगे अरे धर्मराज जो राजा, राजा प्रजा को सही न्याय देना चाहिए, धर्मराज के स्वभाव को अधर्म स्पर्श कर गया, वो तो सही ढंग से तो अभी न्याय नहीं कर रहे हैं, वो तो दंड जो नहीं पाने वाला है उनको दंड देने के लिए तो भेज दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पूछेंगे यमदूत आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, ये तो इतना पाप किया है हमें, तो हम तो अभी बताया, अभी विष्णु दूत बताएंगे हाँ ये पाप किया ये तुमने बताया, लेकिन एक बात भी बताया, निश्चयम अकृत निर्पेश जत्र दंडिन शुद्धेति, ये पाप किया है लेकिन प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए हमने आकर उनको लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बात बताया, प्रायश्चित नहीं किया है, लेकिन तुमको पता नहीं ये प्रायश्चित नहीं किया बोल रहे हो, ये प्रायश्चित कर दिया है, प्रायश्चित कर दिया है। उन्होंने पूछा कब प्रायश्चित किया, अभी बताएंगे, बताएंगे हाँ ये प्रायश्चित कर दिया, सभी पापों का प्रायश्चित हो गया, ये बहुत सुंदर श्लोक है, अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोटिंगहं समपि जद् व्याजहार विवशो नाम सस्तनं हरे। अभी विष्णु दूत हाथ दिखाकर बोल रहे हैं अयं हि, ये अयं हि निश्चित रूप से ये कृत निर्वेशो संपूर्ण प्रायश्चित कर दिया है, तुमने अभी बताया छह पाप के बारे में बताया, किस जन्म का, इस जन्म का छह पापों के बारे में बताया, लेकिन ये जन्म कोटि अहंसामपि कोटि जन्म का पाप का प्रायश्चित करते हैं तुमको पता नहीं, विष्णु दूत अभी बोल रहे हैं ये कोटि जन्म का पाप का प्रायश्चित कर दिया है, जन्म कोटि अहंसामपि, उन्होंने पूछा कब किया, जब ब्याज हार, जब उच्चारण किया, मुंह में उच्चारण किया, कैसे, विवश होकर जब उच्चारण किया, हमने सुना था ना नारायण नाम कैसे लिया था, ऐसे प्रेम से ऐसे आराम से नहीं ले रहा था, बहुत कष्ट हुआ था उस समय नाम लेते समय बहुत कष्ट हुआ था कि नहीं उनको, जब विवश हो नारायण नाम लिया था, जब व्याजहार विवश हो नाम, जब नाम लिया था उस नाम लेते ही उनका सभी पाप से प्रायश्चित हो गया, सिर्फ प्रायश्चित नहीं, अभी क्या बता दें, देखिए स्वस्त्यनं हरे, स्वस्त्यनं श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं, स्वस्त्यनं न केवल प्रायश्चितं अपितु मुख्य साधनं अपि वा, सिर्फ प्रायश्चित नहीं हुआ है वरुण उनका स्थिति ऐसा पवित्र हो गया, वो मुक्ति पाने के लिए वो बिल्कुल लायक हो गया, वो मुक्ति पाए, न केवल सिर्फ प्रायश्चित नहीं है, कोटि जनों का प्रायश्चित हुआ ये तो ठीक है, लेकिन वो मुक्ति पाने के लिए भी अधिकारी हो गया, मुक्ति पाने का अधिकारी हो गया। जब विष्णु दूत का बात ऐसा सुने यमदूत तो हैरान हो, यार ये तो कुछ नहीं किया, बस ऐसा नाम उच्चारण किया सभी पाप चला गया, आपको मतलब विश्वास होता है ऐसा हो सकता है, किस किस को विश्वास है, हाथ उठाई, अभी तो सब हाथ उठा देंगे मुझे पता है। मतलब दिल से ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, अच्छा क्या नहीं मिलता है, अच्छा हाँ तो हम सुनेंगे इसके बारे में, हम सुनेंगे अभी हमारा जैसा सब प्रश्न आ रहा है ना, ऐसा भी हमको ये सोच लेना चाहिए, जैसे यमदूत को विष्णुदूत घुमा फिरा कर पूछ रहे थे कि नहीं, अभी विष्णुदूत को यमदूत भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी पूछेंगे घुमा फिरा कर पूछेंगे, एक नाम लेने से कैसा पाप प्रायश्चित हो गया बोलो, वो भी पूछेंगे, जो सब पूछेंगे हमारा जो सब प्रश्न है ना मन में, वो सब प्रश्न पूछेंगे वो,
इसलिए हमको सुनने से पता चलेगा कि भगवान का नाम कितना मतलब पावरफुल है। एक नाम से करोड़ों जन्मों का पाप ध्वंस हो गया, प्रायश्चित हो गया, ये सही बात है। एक नाम से सभी पाप चला जाते हैं। कैसे, देखिए बहुत सुंदर, इसके ऊपर बहुत श्लोक है, बहुत शास्त्र का बहुत श्लोक है। नाम लेते ही सभी पाप चला जाता है। देखिए कैसे चला जाता है, अवश्यन अपि जत नामनी, गौर पुराण में क्या बताया गया है, अवश्यन अपि जत नामनी कृत्यते सर्वपातक। अवश्यन अवश्य में अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो क्या होता है, सर्वपातक पुमान विमुच्यते, सभी पाप व्यक्ति को छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, सिंह त्रस्ति मृगे रिव सद्य तत्क्षणात्। सिंह त्रस्ति मृगे रिव मतलब सिंह के गर्जन सुनकर मृग जैसे जाकर छिप जाते हैं, समझ में आ रहे हैं। अगर जंगल में सिंह गर्जन करेगा तो मृग जाकर उनके सामने खड़ा होगा, छिप जाएगा कि नहीं। उसी तरह जो भगवान के नाम करते हैं, नाम का ध्वनि सुनते ही जितना पाप होता है अंदर, सभी पाप चला जाता है, भय भी तो कुछ चले जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चले जाएंगे। ये सही बात है। तुलसीदास भी ठीक यही बात बताते हैं जो शिव जी ने पार्वती को बताया था, विवस हो जा सुनाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं। विवस हो नाम जासु नर कहीं, जो व्यक्ति विवस में भी वहां का नाम लेता है, जन्म अनेक रचित अघ दहीं, अनेक जन्म के जो अघ पाप है सब दहीं मतलब जल जाते हैं। शिवजी बोलते हैं पार्वती को, देखिए सभी शास्त्र का सिद्धांत है। और जब प्रेम से करेंगे उनका फल क्या, शिवजी बोल रहे हैं, सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिध गोपद इबस्तरही, सादर सुमिरन जे नर करही। अगर कोई सादर आदर सहित आदर के साथ अगर नाम करता है तो उनको क्या फल मिलेगा, बोलते हैं भववारिधि, भव सागर बोलते हैं ना, भववारिधि गोपद इवतरही। गोपद मतलब गांव के जो खुर खुर चिन्ह होता है ना, मिट्टी में मर जाता है वो, एक गड्ढा हो जाता है वो खुर में, वो चिन्ह में, वो जो गड्ढा में जितना जल रहता है, वो जल का अगर हम वो जल को क्रॉस करने के लिए प्रयास करेंगे कि आपने लुगा इसको ऊपर उठा कर जाएंगे, गिल जाएगा, गिला हो जाएगा, कैसे जाएंगे, एक छोटा बच्चा भी आराम से चल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए मतलब ये भवसागर, अगर कोई प्रेम से नाम ले रहा है तो भवसागर उनके लिए बस ये गोपद ही बता रही, गोपद से गोपद में जितना जल रहता है वो भवसागर उनके लिए ऐसा हो जाएगा। हमको विश्वास होना चाहिए, विश्वास करके नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जो लेते हैं, सिंह त्रस्तई मृगे रिव, भगवान का नाम जो ले रहा है जितना पाप है ना सब मृग जैसे छिप जाते हैं, वैसा जाते हैं, किधर जाएंगे। बहुत सारा श्लोक है इसके ऊपर, बहुत सारा श्लोक है, किधर जाएंगे वो पाप, किधर जाएंगे मतलब हमारा भीतर जो पाप था वो सिंह गर्जन हो गया। कौन सा गर्जन, भगवान का नाम, भगवान का नाम सिंह गर्जन जैसा काम किया, वो सब जाएंगे, किधर जाएंगे सब पाप चले जाएंगे, किधर जाएंगे पता है। एग्जैक्टली, जो नाम नहीं लेता है उसके अंदर जाकर घुस जाएंगे। मतलब मृग छिपने के लिए तो एक जगह ढूंढेगा ना, एक जगह जो जगह उनके लिए सुरक्षित होगा वो जगह तो ढूंढेगा ना। तो जो नाम नहीं करते हैं, नाम करने वालों का जो पाप है ना वो सब जाकर जो नाम नहीं करते हैं उनके अंदर जाकर घुसे छिपने के लिए।
इसलिए घर में अगर पति नाम करते हैं पत्नी नाम नहीं करते हैं तो क्या होगा? या फिर पत्नी नाम करते हैं पति नाम नहीं करते हैं तो क्या होगा? पति तो करेंगे तो आधा पत्नी को मिल जाएगा। तो आप पाप कीजिए, पति को करने दीजिए, आप पाप कीजिए, हो जाएगा। नहीं, पति को सेवा करने से मिलेगा, ऐसा नहीं कि पत्नी को जब मिल जाएगा तो मिलेगा, पति का सेवा करने से। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का नाम का इतना शक्ति है, तो एक नाम से इतना मतलब शक्ति होता है। कैसे कैसे होगा आगे हम कल सुनेंगे, लेकिन एक लीला सुंदर कथा को विराम देंगे कि भगवान का नाम लेने से कैसे सभी पाप चला जाता है। एक लीला सुनिए, लीला सुनने से पता चलेगा। आप तो कभी गए होंगे वाराणसी, बनारस गए हैं कभी? बनारस गए हैं, वहाँ घाट है ना, कौन सा घाट? कौसर घाट है। तो एक जगह तुलसीदास, तुलसीदास तो वहाँ रहते थे, जिस समय रहते थे उस समय की बात है, वो रोज जाते थे नहाने के लिए गंगा में। तो एक दिन वो जाकर देखें एक ब्राह्मण वहां बैठकर भिक्षा मांग रहा है सभी से, सभी से भिक्षा मांग रहा है, लेकिन एक बात मुंह से बार बार बोल रहा है, मुझे भिक्षा दीजिए, मैं ब्रह्मत्यारी हूं, मतलब मुझे ब्रह्मत्या दोष लग गया है, मुझे भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, बस ऐसा भिक्षा मांग रहे हैं। तुलसीदास सब ये बात सुने और क्या बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रभु का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं मैं ब्रह्मत्यारी हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। तुलसीदास बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो भगवान का नाम ले रहा है ना, भगवान का नाम ले रहा है फिर बोल रहे हैं ब्रह्मत्यारी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता नहीं है। तुलसीदास को तो नाम के बारे में बिल्कुल मालूम है, वो तो सिद्धांत पता है उनको। तुलसीदास जाकर उनसे पूछ लिए, अच्छा आप क्या बोल रहे हैं, आप ब्रह्मत्यारी, क्या आप कौन से ब्राह्मण को हत्या किया? बोला नहीं नहीं मैं हत्या नहीं किया, लेकिन हमारा जो ब्राह्मण समाज है हमको ऐसा दोष दे दिया, क्योंकि मुझसे एक ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण मुझसे थोड़ा अनबन हो रहा था, वो मुझसे इतना पसंद नहीं कर रहा था, शत्रुवत देख रहा था, लेकिन किसी कारणवश तो मर गया। जब मर गया सभी लोग मुझे दोष दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो ब्राह्मण मर गए, फिर तुमको ब्रह्महत्या दोष लग गया। तुलसीदास बोले अच्छा तुमने कोई प्रायश्चित किया है कि नहीं? उन्होंने बोला हम मैं क्या प्रायश्चित करूं? बोला नहीं तुमको पता नहीं क्या प्रायश्चित करना चाहिए? बोला हाँ ब्राह्मण लोग, हमारा ब्राह्मण समाज मुझे बोले ठीक है तुम जाकर चार धाम घूम कर आओ फिर तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुलसीदास बोले ठीक है तुम गए कि नहीं? बोला नहीं मैं नहीं गया, क्यों? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं जाने की काबिल नहीं हूँ, किधर जाऊँ कैसे जाऊँ, मेरा तो धन नहीं है, इसलिए यहाँ बैठ कर बस हमारा बोलते हैं ना समाज, समाज से बातचंद कर देना, हिंदी में क्या होगा, बहिष्कार कर देगा हमारे, बोल दे तो भैया मतलब अग्नि जल ये सब बारण कर देंगे, एक बातचंद कर देंगे, उनको ऐसा कर दे कर दिए, तो वहाँ बैठ कर बस भिक्षा कर रहा है और क्या करें। तुलसीदास बोले अरे तुमको पता नहीं तुम्हारा कोई पाप नहीं, तुम्हारा सभी पाप होगा प्रायश्चित हो गया। उनका तो पाप नहीं था, फिर भी तुलसीदास उनको बोलता है नहीं तुम्हारा कोई पाप नहीं, कुछ भी पाप नहीं, सभी पाप प्रायश्चित हो गया। वो बोला आप बोलने से क्या होगा, मेरा हमारा जो ब्राह्मण समाज है ना वो तो नहीं मानेंगे ना। तुलसीदास बोले ठीक है वो मानेंगे, चलो मैं उनको मनाऊंगा। उनको लेकर गए, जिस समय ब्राह्मण समाज के पास गए उस समय ब्राह्मण समाज वहां एक क्या बोलते हैं, ब्राह्मण जो पंक्ति भोजन बोलते हैं, इकट्ठे बैठकर जो भोजन करते हैं, कोई दाता दे रहा था भोजन ब्राह्मण को, वहां बैठकर सब भोजन कर रहे थे। जब उस व्यक्ति को देखें सभी ब्राह्मण उठ गए, अरे उठो 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 उठो, ब्रह्मत्यारी आ गया, हमारे पंक्ति में ब्रह्मत्यारी नहीं बैठ पाएगा, चलो चलो उठो उठो, ऐसा बोलकर सब उठने लगे। तुलसीदास सभी को हाथ जोड़कर निवेदन किए नहीं आप बैठिए 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 बैठिए, आप ऐसा उठिए मत। सभी ब्राह्मण बोलने लगे कैसे हम बैठूं, कैसे बैठते रहे, वो तो ब्रह्म हत्यारी है ना, वो हमारा पंक्ति में बैठेगा तो हम नहीं भोजन करेंगे। तुलसीदास उन्हें बोले ठीक है आप सब सोच रहे हैं वो ब्रह्म हत्यारी है, आप बताइए उनका प्रायश्चित कैसे होगा। उस ब्राह्मण बोले कि अगर चार धाम घूमकर आएगा तो प्रायश्चित होगा हम मानेंगे। तुलसीदास बोले नहीं उनका प्रायश्चित हो गया है,
उनका कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुलसीदास को मालूम है ना नाम की महिमा के बारे में। तो सभी ब्राह्मण ऐसे जिद्दी थे, वो बोले नहीं हमको कैसे पता चलेगा उनका प्रायश्चित हो गया, हम नहीं मानेंगे। तुलसीदास बोले ठीक है, तो आप कैसे मानेंगे उनका प्रायश्चित हो गया, कैसे मानेंगे, वो तो नहीं जा पाएगा, वो नाम कर रहा है इसलिए उनका प्रायश्चित हो गया है, आप कैसे मानेंगे। तभी वो ब्राह्मण ने, सभी ब्राह्मण ने मिलकर उनको ऐसा एक परीक्षा में डाल दिया, सोचिए मतलब इतना कड़ा परीक्षा। वो सब ब्राह्मण ने उनको बताया ठीक है उनका प्रायश्चित हो गया, हम ऐसे समझेंगे अगर उनके हाथ से वो विश्वनाथ मंदिर है ना, विश्वनाथ के सामने जो नंदी है, उनके हाथ से अगर नंदी प्रसाद लेगा तो हम स्वीकार करेंगे कि उनका ब्रह्म हत्या, उनका सब पाप प्रायश्चित हो गया। देखिए ब्राह्मण ने, ब्राह्मणों ने उनको कैसा बहुत बड़ा कट्टा परीक्षा में डाल दिया। तुलसीदास बोले ठीक है, कौन रोसोई करेगा, कुकिंग कौन करेगा। वो ब्राह्मण से बोले ठीक है हम रोसोई करेंगे। तुलसीदास बोले नहीं नहीं तुम नहीं रोसोई करो, तुम रोसोई मत करो, क्योंकि तुम सब पुण्यात्मा है, तुम सब पुण्यात्मा है, तुम्हारा कोई पाप नहीं है, तुम अगर रोसोई करोगे शायद वो नंदी खा देगा, उनको रोसोई करने दो। तो तुलसीदास बोले ठीक है उनको रोसोई करने दो। वो ब्राह्मण रोसोई किया, रोसोई करने के बाद भगवान को भोग लगाया गया, लगाने के बाद वो प्रसाद लेकर गया नंदी के पास। सभी ब्राह्मण देखते रहते हैं, देखें क्या होता है। आप सोचिए होगा नंदी खाएगा, कैसे खाएगा, वो तो पत्थर है। हाँ जी, वो सब ब्राह्मण देखते रहते हैं, देखें क्या होता है, बिल्कुल नंदी क्यों खाएगा, नंदी बिल्कुल नहीं खाएगा। सब ब्राह्मण लोग आपस में बातचीत करने लगे, देखो देखो ये बोलते हैं उनका सब पाप प्रायश्चित हो गया है, देखो नंदी खा रहे हैं क्या, आपस में ऐसा सब बातचीत करते रहते हैं। उसी समय तुलसीदास जाकर नंदी के कान में जाकर भगवान का नाम बताया, नंदी के कान में जाकर भगवान का नाम बता दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब नाम बता दिया उसी समय सभी ब्राह्मणों वहां उपस्थित थे, सभी ब्राह्मण देख रहे थे, उसी समय नंदी डायरेक्ट प्रकट होकर के उनके हाथ से सब खा दिया। सभी ब्राह्मण देखकर हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये सुनने सुनने में तो बहुत अजब लगता होगा, लेकिन ऐसा जगह है, उड़ीसा में भी ऐसा जगह है बहुत सारा। एक जगह पर मैं गया था, हमारा प्रचार तो चल रहा है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कौन है क्या इधर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ हम गए थे। मैं ये मंदिर का महिमा सभी जगह पर बताता हूँ। हम गए थे, मैं वो मंदिर के रूम में रहा था, शिव मंदिर, मंदिर में बहुत सारा नंदी विग्रह बहुत सारा है, मतलब जिसका मानसिक बोलते हैं ना, मानसिक जिसका पूर्ण हो जाता है वो एक नंदी दे देते हैं मंदिर को। तो मंदिर के वो क्या बोलते हैं, जो कैंपस में बहुत सारा नंदी है, लेकिन जो मेन नंदी है ठाकुर जी के सामने जो मेन नंदी है वो दिखने के लिए बहुत अजब दिखते हैं, वो क्या बोलते हैं मकड़ा पत्थर, हिंदी में क्या होगा, लाल पत्थर होता है ना, हाँ पत्थर, उड़िया में जो हम मकड़ा पत्थर बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी हो लाल पत्थर। तो उनको हाथ जो भी मंदिर को जाता है जाकर नंदी को पहले प्रणाम करेगा कि नहीं, नंदी को स्पर्श करेगा कि नहीं, तो नंदी को स्पर्श करते 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 नंदी का शेप ही बदल गया है, मतलब नंदी जैसा नहीं दिखता है, बस एक पत्थर वहां रख दिया गया है ऐसा दिखता है। तो मैंने पूछा वो मंदिर को, मंदिर का मैनेजमेंट जो आए, मैंने उनसे पूछा, मैं मंदिर में था, पूछा अच्छा मंदिर तो इतना सुंदर है, देखने के लिए तो बहुत सुंदर है, बहुत परिष्कार परिच्छन्न है, यह बाहर बहुत सारा नंदी है लेकिन जो मेन नंदी ये जैसा क्यों दिखते हैं। मैंने जब उनको पूछा उन्होंने बताया, प्रभु जी आप हम क्या बताएं, आपको अगर परीक्षा करना है तो परीक्षा कीजिए, लेकिन वो जो नंदी है ना वो साक्षात नंदी है। बोला साक्षात नंदी मतलब यहाँ ये यहाँ जो है ये सब नहीं, ये भी है लेकिन वो साक्षात नंदी है। बोला बहुत लोग आकर नंदी को सही रूप देने की बहुत प्रयास किए हैं, पहले सही रूप कैसे देंगे, सीमेंट वगैरह कुछ देकर तो उनको सही रूप देंगे ना, लेकिन जब सीमेंट
लगाकर प्लास्टरिंग कर जो जो कुछ वो मतलब वो सही ढंग से वो उनको रूप देते थे, रूप देकर वो चले जाते थे। लेकिन रात को क्या होता है पता है, रात को नंदी अपना देह को ऐसे हिला देते हैं, मतलब नंदी के ऊपर जो सीमेंट वगैरह जो सब लगता था वो अपने देह को हिला देते हैं, जितना सीमेंट फीमेंट जो कुछ लगा था वो सब गिर जाता है। सुबह जाकर देखें तो नंदी बस पूर्ववत पहले जैसे वैसे। उन्होंने मुझे बताया अगर आपको अविश्वास है तो आप भी सीमेंट लगाकर देखिए। मैं बोला नहीं नहीं अविश्वास नहीं करूंगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे ये स्टोरी याद आ गया, ये लीला अरे तुलसीदास के समय तो ऐसा हुआ था। वो मंदिर बहुत सुंदर है, मैं गया था जो इस जगह पर मंदिर बहुत है, वहाँ परिवेश बहुत सुंदर है, वहाँ एक मंदिर के सामने पुष्करणी है, पोखरी है, वो बहुत उनके बारे में अगर सुनेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना मतलब कहने का तात्पर्य है नाम का महिमा क्या है, जरा सोचिए। हमको पता नहीं लेकिन हम अगर नाम करते हैं तो सभी पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात सभी को समझ में नहीं आ सकता है, हमारे मन में बहुत सारा प्रश्न हो सकता है। ये प्रश्न के बारे में यमदूत पूछेंगे, क्या पूछेंगे कल हम सुनेंगे, और बाद में अजामिल का उद्धार होगा, अजामिल वैकुंठ को जाएंगे। तो हम भी वैकुंठ को जाने के लिए हमारा भी प्रयास जारी रखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, रोज प्रोग्राम नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।